मेरे प्यारे लुधियाना निवासियों, आज असी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, कोरोना के नाल लड़न लई मिशन फतेह प्रोग्राम। उदे तहत पुलिस डिपार्टमेंट वालों काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कीतियां जा रही हैं। इस मिशन फतेह प्रोग्राम का जिहड़ा मेन मकसद है वो ये है कि कोरोना के नाल आपां किस तरीके नाल लड़ सकते हाँ। इस लड़ाई दे विच ना केवल सरकार दा साथ चाहिदा है, प्रशासन दा साथ चाहिदा है, बल्कि हरेक निवासी दा, हरेक शहरी दा, हरेक पिंडू बंदे दा, हरेक सिटीजन दा सानू साथ चाहिदा है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक अकेले दी नहीं है, पूरे समाज दी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई दा जिहड़ा हिस्सा है, जो इस लड़ाई दे विच साडे मददगार हन, वो चार चीज़ां पांच चीज़ां ही हैगियां। पहली हैगी है मास्क हमेशा लगा के रखना है, जदों भी तुसी पब्लिक दे विच जाना है, पब्लिक प्लेस दे जाना है, बाहर जाना है, तुसी मास्क लगा के रखना है। घर दे अंदर तुसी मास्क ना लगाओ, लेकिन घर तो जिद्दां ही बाहर निकलते हो तुसी मास्क लगाना है, 100% लगाना है। वो तुसी मास्क किसी भी तरीके का, चाहे अपने कपड़े का बना लियो, कोई प्रॉपर मास्क हो, कई बार गमछे वगैरह आप पा लेंगे, वो प्रॉपरली मास्क का काम करते नहीं, क्योंकि आप उन्होंने कई बार हटा लेंगे, कई बार पा लेंगे, वो ना हो, प्रॉपर मास्क लग्या हो, बनया हो, पूरा इस तरीके का मास्क हो। दूजी गल, आप भीड़ भड़के वाले इलाके के नहीं जाना। सपोज तुम बैंक गए, उत्थे भीड़ भड़का है, तुम वेट करो या वापस आ जाओ, या बैंक मैनेजर को शिकायत करो कि भाई थोड़े तो दुकान थोड़ी तो ब्रांच के काफ़ी भीड़ हैगी है, इसको ठीक करो। जिथे कितें ठीक होवे माहौल उत्थे ही अपना काम करो। 2 मीटर की डिस्टेंस हमेशा तुसी एक दूजे नाल मेंटेन रखनी है, एक दूजे तो मेंटेन रखनी है। 2 मीटर की डिस्टेंस बहुत जरूरी है इस लड़ाई में जितने लई। तीजी गल, जदों भी तुसी अपने खाना खाना है या हाथ मुँह मुँह ते लगाने हैं, उदों प्रॉपरली हैंड अपने वॉश करने हैं साबुन नाल। साबुन नाल जिहड़े वॉश करने हैं वो जल्दी जल्दी नहीं वॉश करने, जिदा आपां पहलां करदे सी, वो हुण साबुन प्रॉपर लगा के 20 सैकेंड 30 सैकेंड तक उसनू हर तरीके नाल, हाथ नू इस तरीके नाल उस तरीके नाल, उंगल एक एक उंगल नू मल के उसनू साफ करना है, उस तो बाद हैंड वॉश करने हैं। जे तुहाडे कोल साबुन नहीं है, तुहानू कोई लग रहा है, तो उसी सैनिटाइजर की वरतों कर सकते हो, लेकिन साबुन वधिया रहता है। चौथी गल, घर तो बाहर आपां उदों ही निकलना है जदों बहुत ज़्यादा जरूरी हो, अदरवाइज अवॉइड करना है। तुसी फैक्ट्री जाना है तुसी जा सकते हो, काम करने लिए जाना है जा सकते हो, लेकिन उत्थे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर नियम जिहड़े आपां ये सारी चीज़ां हैं वो फॉलो करनी है, दूजे बंदियां तो भी करवानी है जिहड़े अपने मुलाजिम हुंदे आ। ये पांचवी गल, आपां उस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है ताकि अपने शरीर की इम्यूनिटी बिल्ड हुंदी रहे। आपां अच्छा वधिया खाना खाना है, सारी चीज़ां वधिया अपने एक्सरसाइज करनी है ताकि अपनी जिहड़ी बॉडी है वो तंदुरुस्त रहे, ताकि जे बाई चांस आपां नूं कोई इस तरीके का खतरा हो भी जाता है तो अपनी बॉडी उसनों फाइट करके सहन कर ले। इन्हां चीज़ां नूं फॉलो करवाउण लई सरकार ने मिशन फतेह प्रोग्राम के तहत मिशन वॉरियर्स पब्लिक दे विचों बनाने है। जिहड़ा भी बंदा ये सारियां गल्लां फॉलो करेगा उसनों डेली सरकार वालों इनाम मिलना है, हफ्तेवारी इनाम मिलना है, महीने बाद भी इनाम मिलना है। तो वह सारिया ये पांचों चीज़ां, चारों पांचों चीज़ां फॉलो करवानी है, पब्लिक ने आप करनी है, दूजियां तो भी करवानी है। तुसी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हो। ये तुहानू करना की है, कोवा ऐप है, COVA कोवा ऐप, तुसी गूगल स्टोर ते जाके टाइप करोगे कोवा पंजाब, उसनू तुसी डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल ते। डाउनलोड करन तो बाद उदे विच एक लिंक है जिथे CM साहब की फोटो है, उस तो थल्ले एक लिंक है मिशन फतेह, ज्वाइन मिशन फतेह, उस लिंक ते तुसी क्लिक करके ज्वाइन कर लो इस मिशन नू। एंड 3-4 क्वेश्चन वो पुछते हैं कि किसी रोज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने तुम जवाब दो, इसका तुम हिस्सा बन जाओगे। रोज़ तुहानू लॉटरी तो चंडीगढ़ लेवल से सरकार लेवल से ये विजेता बनने हैं विनर्स, हो सकता है तुहाडा भी ना आ जाए, तुहानू सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, टी शर्ट्स मिलनगियाँ, और भी काफ़ी सारे इनाम तुहानू मिल सकते हैं। लेकिन इनाम तो वक्री गल है, मेन एम है कि आपां अवेयरनैस पैदा करनी है, अवेयरनैस पैदा करनी है। तो इस लई असी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पब्लिक तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो गल सामने आ रही है वो ये है अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, मास्क लई, सोशल डिस्टेंसिंग लई, हाथ धोने लई, ये 3 चीज़ा, यह असी मिशन फतेह का बैच भी आज सारे ने लगाया है, सारे ही पुलिस डिपार्टमेंट ने लगाया है। वह भी एम यही है कि असी अवेयरनेस पैदा करनी है, असी
घर घर जाके पैम्पलेट्स भी पुलिस डिपार्टमेंट वंड रहा है। असी एन जी ओज की हैल्प लै रहे हैं उन्हां इलाकियां दे विच काम करन लई जिथे कि सानू लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेनटेन नहीं हो रही। कई भीड़ वाले इलाके होंगे है, भीड़ वाले बाजार होंगे है, जिदा लुधियाने दे विच गुड़ मंडी हो गई, चौड़ा बाजार हो गया, जिथे कि सोशल डिस्टेंसिंग कई बार मेनटेन नहीं हो पाती या कई बार पब्लिक मास्क लगा के नहीं घूमती। वह एन जी ओज उन्हां नू बाजारां नू अडोप्ट करनगियां एंड उन्हां नू यह फॉलो करवाउणगियां सारे रूल्स पब्लिक तो भी एंड दुकानदारों तो भी। तो इसका भी तुसी हिस्सा बन सकते हो जिन्होंने भी बनना है, तो सानू सारयां दे सहयोग की लोड़ है। यह असी अनाउंसमेंट्स भी करवा रहे हैं गलियां दे विच, मोहल्लियां दे विच, बाजारां दे विच, पिंडां दे विच, थ्रू अनाउंसमेंट सिस्टम प्रॉपरली अनाउंसमेंट्स हो रही की पब्लिक नू करना चाहिए है। इस बीमारी तो घबराउण की लोड़ नहीं, लेकिन लापरवाह अपन नहीं हो सकते। ये नहीं कि अपन लापरवाह होकर कोई काम ना करिए, अपन एहतियात वरतन की लोड़ है। जिनी भी अपनी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसीएशनस जी होंदियां मार्केट एसोसीएशन है उन्हों का असी सहयोग ले रहे हैं ताकि ये वध तो वध अवेयरनैस फैलाई जा सके। पुलिस डिपार्टमेंट जिहड़े बंदियां नू लोड़ है जदों असी चलान भी करते हैं फ्रीली उन्हां नू मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जे किसी ने मास्क नहीं पाया होया जदों असी चलान कर रहे हैं उन्हां नू असी मास्क भी दे रहे हैं ताकि वह एटलीस्ट रूल्स नू फॉलो करन, उन्हां दी जिंदगी नू बचाया जा सके। ते ये बहुत ही औखी घड़ी है। ये जे बाजार खुल गए हैं, सारिया दुकाना खुल गई हैं, फैक्ट्रियां खुल गई, इहदा मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है, खतरा सगों वध गया हैगा। सारिया नू इस लड़ाई का मिल के सामना करना है। हले एक महीना मैं समझदा कि एक डेढ़ दो महीने इस लड़ाई इदा ही चलनी है। हरेक की सावधानी की लोड़ है। इस जे सारे ही इस लड़ाई दे विच हिस्सा पाएंगे तो ही असी इस नू जित पावांगे। असी काफ़ी सारी दुकानों के बाहर, बैंकों के बाहर सर्किल्स पेंट कराए हैं 2-2 मीटर दूर ताकि पब्लिक उन्होंने सर्किलों के विच खड़ी होवे। कई बार वेखण दे विच आया कि सर्किल तो बने हुए हैं, पब्लिक फिर भी सर्किलों के अंदर नहीं खड़ी होंगी। हुण इहदा जिम्मेदार कौन है? जे असी सख्ती करते हैं फिर पब्लिक कहती है कि जी एक तो वैसे ही कोरोना की मार है जी, वैसे ही इनकम नहीं है, तो दूजे पास पुलिस सख्ती करती है। यह देखो ये असी जी सख्ती भी करते हैं तुहाडे लई है, तुहाडी जिंदगी नू बचाउण लई है। हुण आज असी यही तुहानू ये बेनती करना चाहते हैं कि कोई इस तरीके की एक्टिविटी ना करो कि पुलिस डिपार्टमेंट नू सख्ती करनी पवे, क्योंकि यह बीमारी का खतरा दिनों दिन वध रहा हैगा। असी थोड़ी जी सख्ती चल और ज़्यादा करन लगे हैं, खासकर जिन्हां ने मास्क नहीं पाया होएगा ते जिन्हां ने सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन नहीं की होगी दुकानों के बाहर, बाजारों के विच, बैंकों के विच और बाकी सारे ऑफिसिज़ दे विच। तो इस करके तुसी आप सचेत हो जावो, मास्क पा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग। बाहर तो तुसी दो ही चीज़ा फॉलो करनी है, मास्क पाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो गड्डिया के जो नॉर्म है वो फॉलो करने हैं। एक कड़ी कोई बहुत ज़्यादा वड्डी गल होगी ते वो भी सारा कुछ तुहाडे अपने लई है। ते मैं समझदा कि साडे लुधियाने दे बंदे सारे ही जिहड़े सिटीजनस हन बड़े ही सूझवान हन, पुलिस डिपार्टमेंट दा पूरा साथ देणगे ते सरकार दा जो इह मिशन है मिशन फतेह उसनू सफल बनाउण दे विच पूरा पूरा अपना सहयोग पाणगे। तुहानू जो भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट नाल प्रॉब्लम होवे, कोई सजेशन होवे, तुसी साडे नाल सीधा जुड़ के दस सकदे हो। कोई भी अपना गलबात दसनी हो 112 नंबर जिहड़ा पुलिस का हैल्पलाइन है उत्ते कॉल करके साढ़े तक तुसी अपनी गलबात भी पहुँचा सकते हो। असी तुहाडी सेवा लई हमेशा हाजिर हाँ। जय हिंद।